काफी दिनों बाद क्या बात है। हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज मुनाफा। आई होप यू गाइस हैविंग एन अमेजिंग डे। तो अभी मैं मेरे रूम में सो के उठा हूँ एंड जी हाँ, मैं हूँ अभी न्यूयॉर्क में। तो भाई साहब न्यूयॉर्क आए हैं तो मैंने सोचा भाई छोटा मोटा वीडियो एक बना ले आप लोगों के लिए। काफ़ी टाइम हो गया वैसे भी मुझे वीडियो बनाते हुए एंड अभी तो लाइक बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता वीडियो बनाने के लिए, बट कैसे वैसे करके अभी तो क्या वैकेशन भी आने वाला है तो क्या थोड़ी पब्लिक एंगेजमेंट चाहिए वैकेशन में, लाइक थोड़े बहुत सारे स्पॉट्स पर घूमने वगैरह जाएंगे तो वीडियो तो बनाना बनता है उसके लिए। तो अभी मैं हूँ न्यूयॉर्क में और कल रात में निकला था बाहर बट इतना कुछ वीडियो बना नहीं पाया तो मैं सोचा अभी फटाफट बाहर जाके आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं और आप लोगों को दिखाऊं मैं कि भाई साहब टाइम स्क्वायर दिखता कैसे है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग जाते हैं नीचे और दिखाता हूँ आप लोग को टाइम स्क्वायर। गाइस ऐसे नहीं कि मैं न्यूयॉर्क फर्स्ट टाइम आया हूँ, न्यूयॉर्क तो बहुत टाइम आने मिला है। बट होता क्या था ना कि हम लोग न्यूयॉर्क में एक ऐसी जगह पर रहते थे जहाँ वो डाउनटाउन से काफ़ी दूर था तो कुछ वजह बनती नहीं थी वीडियो बनाने की, वहाँ पे कुछ इतना खास चीज़ दिखाने के लिए नहीं था। बट अभी हम लोग शिफ्ट हुए हैं डाउनटाउन में जो कि टाइम स्क्वायर जिसे कहा जाता है। तो यहाँ पे रह के यहाँ की नज़ारे तो काफ़ी अलग अलग है तो बाहर निकलना बनता है और वीडियो बनाना बनता है आप लोग के लिए। तो फिलहाल मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए टाइम स्क्वायर जहाँ पर मैं हूँ अभी और आप लोग देखेंगे दिन के नज़ारे। फिलहाल मेरे निकलने का टाइम भी हो चुका है तो मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ कुछ 2-3 घंटे में। मेरे पास 2-3 घंटे ही है अभी ये पूरा डिस्कवर करने के लिए। हालांकि मैं रात को आया था यहाँ पे बट अभी मैं खास आप लोगों के लिए आया हूँ एंड इट्स टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। और मुझे अभी लग रही है थोड़ी सी ठंडी और ठंडी के लिए मुझे लेना पड़ेगा एक हॉट कॉफ़ी। तो मैं फिलहाल ढूंढ रहा हूँ हॉट कॉफ़ी और आप लोग को लेके चलता हूँ टाइम स्क्वायर की तरफ। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं एक ऐसी जगह पे जो आप लोगों ने देखी होगी बहुत सारी मूवीज़ में और बहुत सारे पिक्चर्स में देखी होगी वो स्पॉट को। तो हम लोग वही डिस्कवर करने जा रहे हैं और बेस्ट पार्ट क्या है पता है आप लोगों को कि वो जगह लोगों की होटल से सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है। सोचो कितना नज़दीक हूँ मैं उस जगह से। और हाँ वो जगह को कहा जाता है टाइम स्क्वायर। तो चलो वहाँ पे जल्दी जल्दी यार मैं घूमना हो जाऊँ उससे पहले वहाँ पे मैं पहुँचता हूँ। ओके सो द मोमेंट ऑफ ट्रुथ इज़ हियर। मैं हूँ यहाँ पे अभी, आप लोग देख सकते हो वो जो स्टेयर्स जिसकी मैं बात कर रहा था वो ये रही है। यहाँ पे हमेशा गर्दी रहती है, पता नहीं अभी बंद रखा इसलिए कोई सीढ़ियों पे बैठा नहीं है। बट मैं यहाँ पे आया था लास्ट नाइट तो यहाँ पे बहुत सारी गर्दी थी, बहुत सारे लोग थे। कुछ क्लिप होगी तो उसकी मैं डाल देता हूँ लास्ट नाइट की। तो ये देख सकते हो आप लोग पूरा वाइड एंगल में देख लो यार। और आईफोन 14 की प्रमोशन हो रही है यूएसए में और काफ़ी सारी जितने भी यहाँ पे दिख रहे हैं आपको सब एडवर्टाइजमेंट के बैनर लगे हुए हैं और काफ़ी लोग दिखाई देंगे आप लोग को। और एक्चुअली यहाँ पे कुछ ना कुछ तो इवेंट हमेशा चालू ही रहता है, काफ़ी एंटरटेनिंग प्रोसेस रहता है। और अभी मैं क्रॉस करके लेके जाता हूँ आप लोगों को उसके नज़दीक में, तो वो बंद क्यों है अभी मुझे पता नहीं है। सुबह बंद होता है या क्या, या किसी को बैठना नहीं है सुबह, आई डोंट नो क्या चल रहा है यहाँ पे। तो कुछ वहाँ पे इवेंट हो रहा है वो मैं वहाँ पे जाके देखता हूँ। यहाँ पे एक काली जगह मिल गई, मैं यहाँ पे बैठ चुका हूँ अभी। एंड पता है आप लोगों की यहाँ पे बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर्स घूमते रहेंगे जैसे कि बैटमैन, आयरन मैन, फलाना डिब्बाना, मार्वल के सभी कैरेक्टर दिखेंगे आप लोगों को। उनके साथ आप खड़े रहकर यहाँ पे फ़ोटो खींच सकते हो बट सावधान रहिए, सतर्क रहिए, वो लोग आप लोग से चार्ज मांगेंगे। आप लोगों को पिक करना पड़ेगा फ़ोटो खींचने के लिए उनके साथ में, बस यहाँ पे कुछ भी फ्री नहीं है। यहाँ पे अभी बज रहे हैं लाइक सुबह के 10 बज रहे हैं और यहाँ पे इतना क्राउड है मेरे पीछे आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ के लोगों का क्रेज़ देख सकते हो एंड टूरिस्ट स्पॉट तो है ये। और यहाँ पे लोग जो स्टेयर्स पे जा रहे हैं वहाँ पे बस हम भी जाएंगे और 2-4 धमाकेदार फ़ोटो खींचेंगे क्योंकि ये जो स्टेयर है हमेशा ही धमाकेदार रहा है। ये बोर्ड था मुझे लगा इस वजह से जाना नहीं है बट लोग जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे और इसके ऊपर फ़ोटो खिंचाएंगे। पता नहीं क्या है स्टेयर में लोग यहाँ पे बहुत लगा के फ़ोटो खिंचाते हैं और यहाँ पे व्यू बहुत अमेजिंग आता है। ये रहा यहाँ का व्यू और जाता हूँ ऊपर, ऊपर के कोने से आप लोग को व्यू दिखाता हूँ मैं। और ये रही आखिरी स्टेप यहाँ पे,
आखिरी स्टेप से ये रहा आप लोगों के सामने मैनहट्टन टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क मेरे दोस्तों। और इसके साथ मैं रहा यहाँ पे आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हुए, यार दूर आया हूँ मैं तो एक छोटी सी बच्चे आप लोग सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू मोटी में रोता रहूँगा बहुत आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, ये रही छोटी सी वीडियो और देखो मैं आगे क्या कर पाता हूँ। सुबह के 10 बज रहे हैं, सोने के लिए काफ़ी ऊपर नीचे हो चुका है, काफ़ी हमारा बदल चुका है, जो भी था ये खत्म हो गया अभी। और अभी यहाँ से मैं निकलता हूँ, जैसे कि मैंने बताया मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं है, यहाँ से निकल के हम लोग जाते हैं कुछ खाने पीने के लिए और छोटी छोटी जो शॉप्स है उसमें से मैं ट्राई कर पा मैं कुछ खाऊँ। बच्चे का ध्यान रखते हुए जाना पड़ेगा, तो इधर यहाँ के कैसे है क्या है, वहाँ आगे चलना है अंदर चलना है भाई, फिर उड़ा के चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। यहाँ पर इसी बेहतरीन व्यू के नज़ारों के मज़े लेते हुए मैं चल रहा हूँ मेरे खाने की तलाश में। अगर मिल जाए बीच में तो ब्रेकफास्ट हो जाएगा, बहुत सुबह से कुछ नहीं खाया, सुबह से क्या रात में थोड़ा बहुत खाया था बस वही, उसके बाद चल से ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है ना कॉफ़ी के लिए कुछ मिला है। आँखें देख सकते हो आँखों में अभी तक नींद है मेरे, तो इसलिए मैंने ग्लैंड बनाया है भाई, धूप वगैरह के लिए कुछ नहीं बनाया। यहाँ पर इतनी धूप नहीं लगती, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं बिल्डिंग है तो कुछ इतना धूप का सवाल ही नहीं है। वेदर काफ़ी अमेजिंग है यहाँ पर, अच्छी खासी ठंड है, मतलब थोड़ी मुझे लग रही है ठंड अभी, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को क्योंकि अभी जो है विंटर यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, ऑलमोस्ट आ चुका है और अभी तक उनके गाने क्या वो चल रहे हैं वहाँ पे चलने हैं। तो बस यार मुझे ये समझ में नहीं आता यार ये धुआं जो है ये क्या कहाँ से आता है ये धुआं, इसके सभी मैनहोल में देखेंगे ये धुआं तो अक्सर रहता ही है हमेशा। खाने के लिए बहुत कुछ है बट इसमें से मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ फिलहाल अभी, ये कॉफ़ी लिए मैंने, चलो फाइनली एक कॉफ़ी तो मिली यार मुझे, नॉट बैड। जो रास्ते पे जिनकी वैन होती है जैसे मैंने बताया क्रोज़ॉन्स खाने के लिए ब्रेड्स वगैरह ये सब चीज़ें होती है प्लस कॉफ़ी भी होती है उनके पास, हो आई थॉट लेट्स गिव इट अ चांस टू देम और मैं जाते जाते कुछ खाने के लिए भी ले लूँगा उनके पास से ही, हलाल वगैरह का टेंशन नहीं रहता, दे हैव हलाल फूड ऑल्सो। तो बस यही था यार, ये देखो इतनी ऊंची बिल्डिंग जो है इसके नीचे बैठ के यार क्या है, बैंक ऑफ अमेरिका है मेरे पीछे देख सकते हो लिखा हुआ है, और ये चाचा के साथ बैठ के मैं यहाँ पर कॉफ़ी पी रहा हूँ यार। मैं खुद को खुश नसीब समझता हूँ तो USA में न्यूयॉर्क में बैठ के मैं यार कॉफ़ी पी रहा हूँ। फिलहाल तो मैं मेरी कॉफ़ी जो है फिनिश कर लेता हूँ एंड उसके बाद निकलता हूँ, देखता हूँ मैं सेंट्रल पार्क अगर जा पाया तो वहाँ पे जाऊँगा मैं, और टाइम की कमी होने के कारण ये वीडियो जो है थोड़ी शॉर्ट शॉर्ट सी बनेगी। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी अभी तक जितने भी देख रहे हो। एंड अब ये क्या चीज़ है यार ये हिल रही है, तो बस ये भी एक बेहतरीन सा व्यू है, इसे भी किसमिस कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आई थिंक ये बिल्डिंग नंबर होता है इन लोगों का 1251 बिल्डिंग के सामने ये फाउंटेन है, और ये बिल्डिंग देख लो आप लोग कितनी लंबी है, मेरा कैमरा भी जाने के लिए वहाँ पे इतना टाइम लग रहा है, तो सभी बिल्डिंगें इसी तरीके से है यहाँ पे। तो टाइम स्क्वायर में बस आप लोग को यही देखने मिलेगा पूरी पूरी बिल्डिंग लाइटिंग ये वो, यहाँ की बिजी लाइफ है, लोग बहुत फास्ट है यहाँ के, एकदम बस चलते रहो रुकने का नहीं, कहीं पर भी रुका हुआ आपको कोई नहीं दिखेगा। न्यूयॉर्क की ना रात की बात कुछ और ही होती है, रात में यहाँ पे कुछ अलग नज़ारे होते हैं, दिन में अभी तो फिलहाल ठंडा सा लग रहा है मुझे। मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा मेरे व्यूअर्स को, आई होप आप लोग कभी न्यूयॉर्क आओगे तो मेक श्योर आप लोग जब भी आते हैं ना यहाँ पे, तो हम लोग की आदत कैसे है लंबी लंबी बिल्डिंग है तो हम लोग इसको ऐसे ऐसे करके ऐसे चलेंगे हम लोग, और यहाँ पे किसी को टकरा जाओगे तो वो ना करते हुए आप लोग क्या करना ज़रा रास्ते को देख के चलना और यहाँ के सिग्नल्स फॉलो ज़रूर करना, क्योंकि भाई साहब अगर आप यहाँ पे आपकी गलती हो ना तो आपको यहाँ पे लोग उड़ा के भी चले जाएंगे, आपको फाइन भी लग जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा आप लोगों के साथ। तो ये मेरी एडवाइस है आप लोग के लिए इन फ्यूचर, तभी भी आप लोग जब यहाँ पे आते हो तो उसके लिए, जैसे अभी यहाँ पे ये सिग्नल लगा हुआ है यहाँ के लोग क्रॉस कर लेंगे इसे, बट आप लोग की कोशिश नहीं करना क्योंकि कहाँ से गाड़ी आएगी आप लोग को कुछ पता ही नहीं चलेगा। ये देखो लोग क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है उनको पता है क्रॉस करना है नहीं करना है। अब अपने यहाँ पे कैसा रहता है कि ब्लॉक सेक्टर्स वगैरह रहता है यहाँ पे, वैसा रहता है स्ट्रीट एवेन्यूज़ यही रहता है, इतना ही फ़र्क है यहाँ पे। और मेरे पीछे देख सकते हो आप जो है फ्लैग किस
बेहतरीन तरीके से जो है फ्लाई कर रहा है। पता है क्या? अच्छा भाई, मैं बोले यार इतना कैसे फ्लाई कर सकता है, हवा तो चल नहीं रही यहाँ पे इतनी, और ये भाई साहब इतना कैसा फ्लाई कर रहे हैं। तो सही है बस, आई थिंक यार बस यही, जहाँ भी जाओ आप लोग जितनी भी वीडियो निकालो यहाँ पे कम है, यहाँ पे जितने भी फ़ोटोज़ निकालो उतने कम है यहाँ के लिए, जितनी बार भी आओ वो भी कम है। एंड आई होप मेरा वापस से आना हो यहाँ पे, टाइम की कमी की वजह से। दोस्तों मैं आप लोग को सेंट्रल पार्क तो नहीं लेके जाऊँगा, बट आई मेक श्योर जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ तो आप लोग को लेके जाऊँ वहाँ पे। अभी फ़िलहाल जो है मुझे भी कुछ मेरी प्रिपरेशन करनी है फ़्लाइट की, कपड़े वगैरह देखने हैं, बस आधा पौना घंटा ही बचा है। तो आई मेक श्योर मैं यहाँ से जल्दी जल्दी निकलूँ और यहाँ पे फंसूँ नहीं, क्योंकि थोड़ा अपने लिए न्यू एरिया है ये। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो क्या थोड़ा पता रहेगा अपने को कहाँ पे आना है, कैसा क्या करना है। तो ठीक है, मैं फिर अलविदा लेता हूँ आप लोगों से, यहीं पर रखते हैं इस वीडियो को। आई होप आप लोग ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग ये वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। नए हो अगर मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब करो, सो दैट मैं ऐसी वीडियो जहाँ पे भी जाऊँ मैं आप लोग के लिए बनाते रहूँ। और मुझे बताओ आप लोगों को क्या क्या डिटेल्स चाहिए जब मैं ट्रैवल करता हूँ, किस तरीके की मैं वीडियो बनाऊँ, जो भी आपके कमेंट्स थॉट है आप लोग बता सकते हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पिन करके। ठीक है, तो आपको अगले ब्लॉग में, जब तक बाय बाय, शुभ बात शुभ बता दिया, प्लीज़।